बालकनी थी ये काफी बड़ी थी। फ्यूचर में जाकर अगर आपको लगता है कि आपको लिविंग रूम का साइज बढ़ाना है तो आप जब इसको आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद में आप इसे थोड़ा एक्सटेंड भी करा सकते हैं, तो आपको एक बड़ा सा लिविंग रूम मिल जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज हम आए हैं किवली लोकेशन में आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेकर। ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा बिकॉज ये आ जाता है मुंबई पुणे हाईवे के पास में। और जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं अभी इसका डोर यहाँ से शुरू होता है, बट एक्चुअल फ्लैट में आपको ये डोर यहाँ पर नहीं यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो एंट्रेंस लॉबी है ये आपको फ्री में मिलने वाली है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने और आप इस एंट्रेंस लॉबी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। प्लस जो आप ये डोर देख रहे हैं आपको एक्चुअल फ्लैट में इसी तरह से लैमिनेटेड डोर मिलने वाला है जिसके साथ में आ जाता है डिजिटल डोर लॉक। और एक और चीज आपको अच्छी लगेगी, यहाँ पर जो आप ये फ्रेम्स देख रहे हैं इनके एजेस राउंड है तो लगने का डर नहीं है। प्लस साथ में आ जाता है रबर गैस्केट, तो जब आप दरवाजा बंद करेंगे बाहर की आवाज आपको कम अंदर आएगी। तो फिर चलिए हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। और इस तरफ आ जाता है इसका लिविंग डाइनिंग, इस तरफ हमें जगह मिल जाती है इस तरह से एल शेप का सोफा लगाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था, किवले एक डेवलपिंग एरिया है और किवले में बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स आ चुके हैं जैसे कि पीरामल, गोदरेज, लोधा। तो आप अंदाजा लगाइए जब इतने बड़े बड़े डेवलपर्स किवले में प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो फ्यूचर में आप अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं फ्यूचर में आपको उस प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो किवले लोकेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। प्लस अगर आप एंड यूजर भी हैं तो कौन ऐसी लोकेशन पर नहीं रहना चाहेगा जहां पर हमको पता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। प्लस किवले लोकेशन को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है हाईवे के पास में, तो अगर आप शॉपिंग करने के लिए बाड़मेर की तरफ जाना चाहते हैं या फिर पुणे की तरफ आगे जाना चाहते हैं या फिर अगर आपको ऑफिस चाकन की तरफ है तो भी आप इजीली जा पाएंगे। और इसी के साथ में आ जाती है अटैच बालकनी। अगर आप ढूंढ रहे हैं बड़ी बालकनी तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। और बालकनी की असली अहमियत हमें समझ में आती है मॉनसून सीजन में। अगर आपके पास बालकनी नहीं होती है तो घर के अंदर वेंटिलेशन नहीं जाता और इससे सीलन लगने लग जाती है दीवारों पर और दीवारों में से स्मेल आने लग जाती है। और आपको ये फ्लैट और ज्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज आपको इस फ्लैट में लिविंग रूम के साथ में तो बालकनी मिलती ही है, प्लस आपको आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी बालकनी मिलती है। तो आप इसे एक बार देखते हुए किचन की तरफ आ जाइए। और किचन के सामने ही हमें स्पेस मिल जाती है 4-सीटर डाइनिंग टेबल लगाने के लिए। और इस वॉल पर आप लगा सकते हैं एक बड़ा सा टीवी। और एक और बात मैं आपको जो बताना भूल गई थी, जो ये बालकनी थी ये काफी बड़ी थी। फ्यूचर में जाकर अगर आपको लगता है कि आपको लिविंग रूम का साइज बढ़ाना है तो आप जब इसको आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद में आप इसे थोड़ा एक्सटेंड भी करा सकते हैं, तो आपको एक बड़ा सा लिविंग रूम मिल जाता है। और यहाँ पर आ जाती है इसकी किचन। किचन बहुत ही ज्यादा बड़ी है, हमें एक बड़ा सा एल शेप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आराम से यहाँ पर 3 लोग खड़े होकर काम कर सकते हैं। प्लस इस तरफ हमें जगह मिल जाती है तो आप सबसे बड़ा फ्रिज यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक नहीं 2 सिंक मिलते हैं, यहाँ पर आप अपनी वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप बर्तन धो सकते हैं। और इसी तरफ हमें जगह मिल जाती है वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, अगर आप डिश वॉशर यूज करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। और साथ में आपको मिल जाती है बड़ी सी विंडो, तो आपको किचन में भी बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन मिलने। ऊपर ही आपको जगह मिल जाती है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। तो आप इसे एक बार देखते हुए किड्स बेडरूम की तरफ आ जाइए। और जो ये प्रोजेक्ट है इसके पास में आ जाता है मुकेश चौक। अगर आपको किचन के लिए ग्रोसरी लेनी है तो आप इजीली वहां पर जा सकते हैं, आपको मुकेश चौक में हर तरह की शॉप मिल जाती है। प्लस मुकेश चौक में आ जाता है एक बड़ा सा बस स्टैंड,
क्योंकि जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप वहां से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। बेडरूम के ऑपोजिट में ही हमें मिल जाता है कॉमन वॉश बेसिन और इधर आ जाता है कॉमन वॉशरूम। वॉश बेसिन बाहर की तरफ है तो आप डाइनिंग एरिया से इजीली एक्सेस कर पाएंगे, प्लस इसके नीचे भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आप थोड़ा बहुत सामान इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं जैसे यहाँ पर प्लांट्स रखकर दिखाए हैं। नीचे की स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्टोरेज बनाने के लिए। और जो इसका ये वॉशरूम है, यहाँ पर आपको नीचे दो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, तो वॉशरूम का पानी बाहर नहीं जाएगा, प्लस जो इसका वेट एरिया है, इसका प्लेटफॉर्म भी नीचे की तरफ है, तो बिल्कुल भी पानी बाहर जाने के चांसेस नहीं है। जो यहाँ पर टाइल्स यूज किए गए हैं उनका टेक्सचर बहुत अच्छा है। फिटिंग्स जो यहाँ पर यूज किए गए हैं वो सारे के सारे प्रीमियम फिटिंग्स हैं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर आ जाता है इसका किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में हमें एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है घर के अंदर, प्लस बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बाहर रेलिंग भी मिल जाती है, तो ये रेलिंग का कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, प्लस ये बहुत ज्यादा स्टैंड आउट भी कर रही है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उन्हें प्री स्कूल्स में डालना चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में बहुत अच्छे प्री स्कूल्स के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और यहाँ से सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, प्लस आपको सामने स्पेस मिल जाती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बच्चों का स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप एक प्यारा सा बुक रैक भी डिजाइन कर सकते हैं। और जब हम इस तरफ आते हैं, इस वॉल पर हमें जगह मिल जाती है एक बड़ा सा कबर्ड डिजाइन करने के लिए, तो फिर आप इस रूम को देखते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पर आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमें इस तरफ जगह मिल जाती है बेड लगाने के लिए, प्लस इसके सामने वाले वॉल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टीवी लगाने के लिए, नहीं तो कुछ फ्रेम्स लगाने के लिए या फिर आर्टिफैक्ट्स लगाने के लिए। ये मास्टर बेडरूम आपको पसंद आएगा बिकॉज इस मास्टर बेडरूम के साथ में मिल जाती है बालकनी, इस बालकनी को यूटिलाइज कर सकते हैं आप योगा करने के लिए, प्लस आप चाहे तो यहाँ पर प्यारा सा सिटिंग एरिया भी डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से यहाँ पर प्लांट्स भी रख सकते हैं। जो नीचे टाइल्स यूज किए गए हैं वो एंटी स्किड टाइल्स हैं, आपको यहाँ पर रेलिंग मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, अगर आप चाहे तो आप अपने प्लांट्स को ऊपर भी रख सकते हैं, तो आप इसे देखते हुए एक बार वॉशरूम की तरफ आ जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर 10 मिनट के डिस्टेंस पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वे डेवलपिंग एरिया है, बट आसपास फैसिलिटीज सारी की सारी अवेलेबल हैं। और इस तरफ आ जाता है इसका वॉशरूम। जो वॉशरूम में नीचे टाइल्स यूज किए गए हैं वो एंटी स्किड है, और जो आपने इसका कॉमन वॉशरूम देखा था, मास्टर वॉशरूम जो ये है वो भी सेम वैसा ही दिखता है, प्लस यहाँ पर जो फिटिंग्स यूज किए गए हैं बहुत अच्छे हैं, टाइल्स बहुत अच्छे हैं, और जो आपको वॉश बेसिन है वो अंदर की तरफ मिल जाता है, प्लस उसके नीचे आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, तो आप इसे देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है किबले लोकेशन में, और अगर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, तो आप इजीली आ सकते हैं, बिकॉज जो हाईवे से सीधा ये रास्ता अंदर की तरफ आता है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, प्लस ये टूटा भी नहीं है, तो आपको ड्राइव करते हुए भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें लैंड पार्सल की, तो ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 2 एकड़ में, जिसमें टोटल टावर 2 रहने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट में सारे के सारे 2 BHK ही है, जिसका कार्पेट एरिया है 721 square feet और 795 square feet। जो आपने ये फ्लैट देखा, इसका कार्पेट एरिया 795 square feet है, बट इस फ्लैट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया गया है।
यहाँ पर अभी डेवलपर की तरफ से बहुत ही ज्यादा ऑफर्स चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर आने का, साइट विजिट करने का और फ्लैट बुक करने का। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन दिसंबर 2025 में है और जो यहाँ पर एट प्रेजेंट प्राइसिंग रखी गई है डेवलपर की तरफ से वो है 57 लाख से 63 लाख तक। अगर आपका बजट 50 लाख के आसपास है तो भी आप किवले लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया किवले एक डेवलपिंग एरिया है और यहाँ पर आपको आपकी बजट के अकॉर्डिंग फ्लैट्स जरूर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।